शिक्षक दिवस के अवसर पर बालकों ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परियोजना कनेक्ट के अंतर्गत विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया। परसाभाटा स्थित चंद्रोदय ज्ञान मंदिर स्कूल में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि बालकों के निदेशक धातु श्री दीपक प्रसाद थे। श्री प्रसाद ने परियोजना से लाभान्वित विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और बालकों के स्वैच्छिक शिक्षक शिक्षिकाओं की हौसला अफजाई की। श्री प्रसाद ने अपने उद्बोधन में नागरिकों को गुरु के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि बालको संचालित परियोजना का लाभ बड़ी संख्या में जरूरतमंद छात्र छात्राओं को मिल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि परियोजना से लाभान्वित विद्यार्थी अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन से बालको नगर और कोरबा का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने बालको के स्वैच्छिक शिक्षक शिक्षिकाओं की प्रशंसा की जो ड्यूटी के बाद बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। और आप जो आज कर रहे हैं, जितने भी गुरु यहाँ पर हैं, इसको किसी चीज से तोला नहीं जा सकता है। आप जो टाइम निकाल रहे हैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने में, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। और शायद किसी मोड़ पे फ्यूचर में ये बच्चे आपको किसी मोड़ पे मिलेंगे, एक बहुत ऊंचे मुकाम पे, और आपके रास्ते में रोक कर आपको याद दिलाएंगे कि आपने उनकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन किया है। बालको के कंपनी संवाद एवं सामुदायिक विकास प्रमुख श्री आशीष रंजन ने बताया कि परियोजना की शुरुआत 5 शिक्षकों और 25 बच्चों से हुई थी। आज लाभान्वित हो रहे बच्चों की संख्या 200 से अधिक हो गई है। इसके अलावा बालको के 50 अधिकारी कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। केंद्र की संख्या बढ़ाने की योजना है। आज से लगभग 3 वर्ष पहले, हमें याद है सर, हम लोगों ने छोटे से कमरे से यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर में 5 वॉलेंटियर्स और 25 बच्चों के साथ में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस उद्देश्य के साथ में शुरुआत किया था कि हम यहाँ पे जो हमारे आसपास के बच्चे हैं, जो श्रमिक वर्ग से आते हैं, उनको अतिरिक्त हम लोग किस तरीके से शिक्षा में मदद कर सकते हैं, ताकि जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो उसमें उनको बेहतर बना सके। साथ ही साथ जो भी व्यावसायिक कोर्सेज हैं, इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग की कोर्स है, मेडिकल की कोर्स है, इन कोर्स में तैयारी करने में हम किस तरीके से मदद कर सके, इस उद्देश्य के साथ हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और आज हमें बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि आज हमारे पास लगभग 50 वॉलेंटियर्स और 200 छात्र के साथ साथ 3 स्कूलों में ये कार्यक्रम चल रहा है। परियोजना से लाभान्वित अनेक बच्चों ने बताया कि वेदांता स्टडी सेंटर के संचालन से उनके शैक्षणिक स्तर और प्रदर्शन में सुधार हुआ है। विद्यार्थियों ने परियोजना के उत्कृष्ट संचालन के लिए बालकों के प्रति आभार जताया। बालकों के स्वैच्छिक शिक्षक शिक्षिकाओं ने कहा कि जरूरतमंद बच्चों की मदद कर उन्हें गौरव की अनुभूति होती है। इस अवसर पर चंद्रा शिक्षण समिति के अध्यक्ष श्री आरडी चंद्रा सहित बालको नगर के विभिन्न स्कूलों के शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद थे। इस प्रोजेक्ट कनेक्ट के शिक्षक शिक्षिकाओं और स्टडी सेंटर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वे अपना टाइम निकालकर हमें पढ़ाने आते हैं। हमसे कोई फीस नहीं लेते, हम बड़े मज़े से पढ़ते हैं। इतने अच्छे अच्छे तरीके से हमें पढ़ाया जाता है कि हमें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ के टीचर्स ड्यूटी के बावजूद टाइम निकाल कर हमें पढ़ाने आते हैं, जिससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। इंग्लिश, साइंस और मैथ्स हमें पढ़ाया जाता है, जिससे हमें बोर्ड में भी इन तीनों सब्जेक्ट्स में बहुत हेल्प मिली और बहुत अच्छे नंबर हमें मिले। ये सारे बच्चों के साथ एक क्वालिटी है जो हमें भी सीखना चाहिए कि वो इंटरेस्ट है पढ़ने में और हमें जो रिकग्नाइज करने में और हम जो बात करते हैं उसे एक्सेप्ट करने में। ये जो बालकों की पहल है प्रोजेक्ट कनेक्ट, बड़ी खुशी होती है इस प्रोजेक्ट कनेक्ट में जब हम स्कूल में आते हैं, बच्चों से बात करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, हमें मौका मिलता है। वो जो पुराने हमारे दिन थे जब हम कुछ स्टूडेंट्स हुआ करते थे, स्कूल जाते थे, कोचिंग जाते थे, ट्यूशन जाते थे, वो चीज़ वी आर एबल टू लिव दोस डेज बैक, वो दिन वापस से याद आता है। बच्चों के साथ रहना, उनको पढ़ाना, जो चीज़ें हमने सीखी हैं जब हम स्टूडेंट्स थे तो हमको लगता था टीचर ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से डिलीवर करना चाहिए, इस तरीके से हमको ज़्यादा समझ में आता है। तो कोशिश यही रहती है हमारी कि हम चीज़ों को जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, जैसा हम एक्सपेक्ट करते थे, कुछ ना कुछ सिमिलर उस तरीके से बच्चों को दें। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया।
सुनी जो तेरे लिए सौ दर्द सही महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। दीपक प्रसाद, श्री आशीष रंजन एवं अतिथियों ने स्वैच्छिक शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया। हितेंद्र भुप्तावत मुखर्जी नखाते